हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी कैंपस। आज की वीडियो दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि आपको पता है नेशनल पार्क ऐसा टॉपिक है कि किसी हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या कोई भी छोटा मोटा हो, और पीसीएस में पूछे जाते हैं। अब ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कि इसमें पिक्चर्स इंक्लूड की गई हैं, और बिना फ़ोटोज़ के नेशनल पार्क को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे फ़ोटोज़ जो देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ के, तो उससे क्या है याद रखने में, मेमोराइज करने में आसानी रहती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पूरी एंड तक देखिएगा, वीडियो ज़रूर आपके काम आएगी। और इससे अलग आपको कोई भी नेशनल पार्क कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी स्पेसिफिकेशंस, जो भी है ज़रूरी मैंने सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या देखना है इस वीडियो में, पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मीनिंग क्या है, ये कैसे औरों से अलग है नेशनल पार्क, और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो है कि IUCN जो है, IUCN पे मैं वीडियो डाल ही चुका हूँ, IUCN की कैटेगरी 2 में ये आता है। तो ये डायरेक्ट केवल यही पूछा जाएगा कि यार IUCN की कौन सी कैटेगरी में, तो ये कैटेगरी 2 के अंडर आते हैं, इनको प्रोटेक्टेड एरिया है, ये नेशनल पार्क जो है IUCN की कैटेगरी 2 में आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, पहला जो नेशनल पार्क इंडिया का बना था 1936 में बना था, 1936 में, और तब उसका इसका जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। अब जो इसका नाम है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यही इसी को पूछ लेते हैं यार, सबसे पुराना सबसे पहला कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट जो थे इन्होंने बहुत हेल्प की थी इसको बनवाने में, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ गया। एज ऑफ जुलाई 2018 अभी अगर देखा जाए तो टोटल 104 नेशनल पार्क हैं देश के अंदर, 104। एरिया इनका लगभग 40,501 स्क्वायर किलोमीटर है, 1.23% है इंडिया के टोटल सरफेस एरिया का। ये डेटा इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, अदरवाइज डेटा फालतू का इंक्लूड मैं नहीं करता। अब देखो डेफिनेशन में थोड़ा सा समझ लीजिए कि एरिया क्या होता क्या है, नेशनल पार्क कौन सी चीज़ बन सकती है, कौन बनाता है, इसमें इतना बताया मैंने। एरिया वेदर विदिन अ सेंचुरी और नॉट, ये पहली बात तो देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं ये एक दूसरे से इसमें ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। एरिया दैट कैन बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो पहली बात तो ये है कि यार स्टेट गवर्नमेंट बनाता है इनको, नोटिफाई करता है एरिया को स्टेट गवर्नमेंट, एज अ नेशनल पार्क इसको स्टेट गवर्नमेंट बनाता है नेशनल पार्क को, बाई रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल फौनल फ्लोरल ज्यूमोरफोलॉजिकल और जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अगर वो किसी वजह से हो सकता है, इसकी इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी की वजह से इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है बनाया जा सकता है। फौना, फौना मतलब वहाँ की वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा मतलब वहाँ की जो वेजिटेशन वगैरह है, वो ज्योमॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर जो होता है ज़मीन का वो, और जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो भी हो इनमें से, अगर उसको प्रोटेक्शन या प्रजर्वेशन की ज़रूरत है तो नेशनल पार्क स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क, किसी भी नेशनल पार्क के अंदर में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है परमिटेड नहीं है। तो आप इतना ही याद रखना, लेकिन देखो क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी ऐसा मुझे कोई इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन मिला नहीं है। आपको तो ये याद रखना है कि यार कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इसके अंदर नहीं हो सकती है, ना ह्यूमन जाके, ऐसा नहीं है कि अपने जो जानवर हैं उनको ले गए कुछ चराने वराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है इसमें। लेकिन एक एक्सेप्शन जो कि दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्सेप्ट फॉर द वन परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट अंडर द गिवन कंडीशन इन चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया में 1972 का, उसके चैप्टर 4 में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, उन पे क्या है थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब वो थोड़ी सी परमिटेड है। वो भी कब परमिटेड है, चीफ वाइल्ड वार्डन, एक वार्डन होता है वाइल्ड लाइफ वार्डन, उसमें वो अगर परमिट करता है तो, बाकी ये कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आ जाइए एक एक करके नेशनल पार्क को देखते हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज, इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा यही है। इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन,
अब देखो नेशनल पार्क में आपको याद कर रखना है यार, एक तो इनकी जगह याद रखनी है कि ये कौन सी स्टेट में है, डायरेक्ट तो यही पूछा जाएगा। प्लस अगर इससे रिलेटेड कोई भी एनिमल है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे सारे दे रखे हैं, वही आपको देखने। तो लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, स्नो लेपर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है स्नो लेपर्ड, ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, इनमें मैक्सिमम नंबर है नेशनल पार्क के, नौ नौ है, नौ ही अंडमान निकोबार में, नौ ही मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं, साउथ बटन आइसलैंड आइलैंड नेशनल पार्क। अब ये यहाँ पे मैंने इसलिए दिया है बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज, पहले मैंने बिगेस्ट दिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने दिया है स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे छोटा है, अंडमान निकोबार में है ये। और सी काव या ड्यूगोंग आपने सुना होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर, ये मैमल है, ये यहाँ पर पानी के अंदर मिलती है। ये है डॉल्फिन, ब्लू व्हेल एट्सेट्रा, ये यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा देख लिया, सबसे स्मॉलेस्ट। अब आगे चलते हैं, अब देखो अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क जो है यहाँ पर काली टाइगर रिजर्व भी है, ये कर्नाटक में है। और द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये जो पिक्चर दे रखा है ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का, ये यहाँ पर मिलती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये यहाँ पर। और टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर एटसेट्रा, ये भी मिलते हैं। तो कहाँ पर है अंसी नेशनल पार्क, याद रखना है कर्नाटका में है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, बालपकरम नेशनल पार्क जो है ये गारो हिल्स में मेघालय में स्थित है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडब ऑफ परपेचुअल विंड, लगातार विंड चलने की वजह से इसको एडब ऑफ परपेचुअल विंड्स भी नाम दिया गया, और लैंड ऑफ स्पिरिट्स भी इसको बोलते हैं। इट इज़ अ होम ऑफ बार्किंग डियर, ठीक है, भौंकने वाला जो डियर होता है वो यहाँ पर है, और गोल्डन कैट जिसका फोटो मैंने यहाँ पर दे रखा है ये भी यहीं पर मिलती है। कॉमनली सीन एनिमल इंक्लूड वाइल्ड वाटर बफेलो, और भी एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि वाइल्ड वाटर बफेलो जो होती है, ठीक है, और रेड पांडा आपने देखा ही होगा, और एलिफेंट वगैरह, इनके फ़ोटो मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किए क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप सब लोगों ने पहले से ही देख रखे होंगे, ये यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश की उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, यहाँ पे लगभग 1336 स्पीसीज है एंडेमिक प्लांट। देखो एंडेमिक, और वो मैंने आपको बताए थे पहले बायोस्फीयर रिजर्व वाली वीडियो में, एंडेमिक होता है मतलब केवल यहीं पर पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, टाइगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये क्या है कर्नाटका में है बांदीपुर, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग याद रखना, कर्नाटका में है। इट वॉज वंस अ प्राइवेट हंटिंग रिजर्व फॉर द महाराजा ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर, मैसूर के किंगडम के जो महाराजा थे उनका प्राइवेट हंटिंग रिजर्व था पहले किसी ज़माने में ये, ठीक है, बांदीपुर जो है। और यहाँ पे चीतल और बंगाल टाइगर मिलते हैं, चीतल ये है, ये हिरण होता है, और ये है तुम्हारा बंगाल टाइगर। भितरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में, इट इज़ सराउंडेड बाई भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भितरकनिका उससे घिरा हुआ है, इसका मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी नेशनल पार्क मिल सकता है, मैंने बताया था आपको, ये ओवरलैप कर सकते हैं। द नेशनल पार्क इज होम ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है ये वाला, इसके लिए ये फेमस है। इंडियन पाइथन और किंग कोबरा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। डाचीगम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में स्टेट पूछी जाती है, प्लस ये कश्मीरी स्टैग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोटो देख रहे हो आप, ये कश्मीरी हिरण है, कश्मीरी स्टैग, और इसको वहाँ पर हंगुल बोला जाता है, ये नाम भी याद रखना है आपको। डेजर्ट नेशनल पार्क पता ही होगा आपको कहाँ पर है डेजर्ट, हमारा राजस्थान में है तो वहीं पर होगा, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की में पड़ता है मेनली ये। डिस्पाइट अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ बर्ड लाइफ, देखो इतना नाजुक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने सुना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ की इसका पिक्चर भी दे रखा है मैंने, ये यहीं पर मिलती है, इसको वहाँ पर गोडावण बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान में। द डेजर्ट नेशनल पार्क हैज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड, डेजर्ट नेशनल पार्क है यहाँ पर, इसमें क्या है कलेक्शन है किसका, फॉसिल्स का, इनके मतलब फॉसिल जो रिमेन्स रहते हैं एनिमल्स के, वो हैं यहाँ पे 180 मिलियन साल पुराने मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ जो अवशेष हैं फॉसिल्स यहाँ पे डायनासोर के भी मिले हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये आपको पता ही होगा कहाँ पर है, असम में है डिब्रू सिखोवा, और फेरल हॉर्स के लिए पाया जाता है। अब ये हॉर्स है फेरल हॉर्स, अब इसकी क्या खासियत है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप इसको देख के समझ जाना कि यहाँ पर कहाँ पर मिलता है। डिब्रू सिखोवा हो सकता है कुछ अलग टाइप के बाल है इसका कलर, लेकिन जो है ये फेरल का मेनली यही मिला है, तो ये यहाँ पर पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क देखिए, दुधवा आपको पता ही है यूपी में है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। टाइगर, सांबर और हॉग डियर ये यहाँ पे मिलते हैं। हॉग डियर का फोटो मैंने डाल दिया, टाइगर और ये तो आपने देख ही रखे होंगे, ये हॉग डियर है यहाँ पर मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपको पता ही है गुजरात में, एशियाटिक लॉयन जो एशियाई शेर जो होता है उसके लिए फेमस है ये। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, कुल्लू रीजन में है, हिमाचल प्रदेश के में दोस्तों, यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये है, यूनेस्को जो है उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व वाली वीडियो में, उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से ये है। जलडपरा नेशनल पार्क जो है ये याद रखना है वेस्ट बंगाल में है, और इंडियन वन हॉर्न डायनासोर एक सरंगी गैंडा जो होता है उसके लिए फेमस है ये, मैंने यहाँ पर पिक्चर भी दे रखा है इसका, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों आपको पता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहला नेशनल पार्क था इंडिया का 1936 में बना था, किसके नाम से, हेलीज नेशनल पार्क के नाम से, वही है ये, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के में, टाइगर के लिए मेनली फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ पर है, असम में है, ये भी वही वर्ल्ड हॉर्न डायनासोर जो भी फोटो मैंने दिखाया था आपको, जो पीछे दिखाऊँ ये इसी के लिए फेमस है ये, ठीक है। और हाईएस्ट नॉन टाइगर डेंसिटी यहाँ पर, टाइगर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है, इसके बारे में पहले आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, लेक लोकटक के पास में है, और यहाँ पर मैंने बताया था ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, जो उसमें मैंने बताया था जो घास वास होती है जिसको फुमडीज बोलते हैं वहाँ की भाषा में, तो यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं उसी पर तैरते हुए, तो ये वहीं पर है केबुल लामजाओ मणिपुर में। केवलादेव नेशनल पार्क तो आपने सुना ही होगा, राजस्थान में है, और ये जो रामसर कन्वेंशन वाली जो वीडियो डाली थी मैंने उसमें भी बताया था मैंने, ये रामसर साइट भी है, मोन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है ये। अच्छा इट, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के में इट, अच्छा इसका एक और नाम है घाना नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं घाना। इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये यूनेस्को की, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया रसिया से उड़कर आती है वो यहीं पर मिलती है, इसका फोटो मैंने दिया हुआ देख सकते हो आप। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, जुलाई 2016 में ही जुड़ा है, बिकमिंग द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। देखो हेरिटेज साइट्स में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये क्या है कि कुछ नेचुरल होती हैं तरह तरह की होती हैं, तो ये जो है पहली मिक्स्ड है और यही है मिक्स्ड और अभी तक कोई नहीं है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम में है, यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इंडियन एलिफेंट, राइनोसोर, ग्वार, एशियन वाटर बफेलो, बारहसिंगा, टाइगर एट्सेट्रा यहाँ पर मिलते हैं, इनमें से फोटोज आपने सबने देख ही रखे होंगे इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इतना ही याद रखना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, एब्सेंस ऑफ नोइजी, अब देखो इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं, ये कोई एक इंसेक्ट होता है सिकेडाज नाम का, तो यहाँ पर ये नहीं मिलता है इसलिए इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से जो आवाज़ है वो नहीं होती है। सिमलीपाल आपने सुना ही होगा उड़ीसा में है, टाइगर, लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, सांबर एट्सेट्रा के लिए फेमस है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, इट इज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर मिलते हैं यहाँ पे पता ही होगा आपको। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत पूछा जाता है उत्तराखंड में, इट इज़ नोन फॉर इट्स मीडोज ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स, जो मीडोज होते हैं जो फूलों के बागान जो होते हैं उनके लिए ये फेमस है और एंडेमिक होते हैं, ठीक है। एंडेमिक है मतलब यहीं पर पाए जाते हैं, बहुत सारे अल्पाइन फ्लावर्स हैं, अल्पाइन जो ऊंचाई पे पहाड़ों पे उगते हैं उनको अल्पाइन बोलते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे देखो एक पिक्चर भी इंक्लूड कर रखा है मैंने, बहुत ही मतलब अच्छी देखने वाली जगह है ये। अब दोस्तों देखो कुछ अलग से हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी जो स्टेट है लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जाती है। अच्छा उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर है, नागरहोल कर्नाटका में, नामडफा अरुणाचल प्रदेश में है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में, ओरेंज नेशनल पार्क असम, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में है। ठीक है दोस्तों, इससे अलग आप कोई भी नेशनल पार्क पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लीजिए, ये बहुत है, जितने भी इंपॉर्टेंट सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।